मर गई बेचारी सभी, क्या ही जाता अगर मुझसे शादी हो जाए। यहाँ आ रहे थे, मायरा गाड़ी में थी, गोली लगी उसे। मायरा भी नहीं रही। इस घर में जो कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार ये मुझे ठहराती। इनकी आंख में इतनी भी शर्म हया नहीं है, उम्र में और रुतबे में पड़े हैं। अय्या जान चाहती हैं कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, हम दोनों एक दूसरे से लड़ें, दूर हो जाएं और आप मुझे छोड़ दें। आपको उनकी साजिशें समझ क्यों नहीं आती? जी वो भू बेगम ने मेन्यू में कुछ रद्द बदल किया है तो वही चेक कर रहे थे। किसकी इजाजत से? जी वो भू बेगम की इजाजत से। दफा हो जाओ यहाँ से। सुनो, अगर अपनी नौकरी अजीज है ना तो आइंदा इस घर में वही करोगे जो अब तक करते आए हो, समझे? जाओ। जी बेटर। आखिर को दिखा देना अपनी औकात कि तुम एक छोटे खानदान से हो जहां ना तमीज सिखाई जाती है ना तहजीब। अगर किसी बड़े खानदान की होती तो इतनी लंबी जबान ना होती। हम समझा रहे थे बहू को कि इस घर के कायदे क्या हैं और तरीके क्या हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को समझ ही कहाँ आती है। और यूं भी इन्हें क्या जरूरत है किचन वगैरह को देखने की? अय्या जान, अगर आप घर के मेन्यू की बात कर रही हैं तो मैंने ही सबीन से कहा था कि वो जो चाहे तो बदल कर सकती है और उसे कोई रोकेगा नहीं। तुमने बात की उनसे, समझाने की कोशिश की? तुम जानती हो कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। बस कर दे माँ, बस कर दे। ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? माँ हूँ तुम्हारी, मेरी बात सुने माँ। पहले ही अपनी बेवकूफी की वजह से आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकी और इन्हीं बातों की वजह से बाबा आपके खिलाफ हो गए, तो बेहतर होगा फिलहाल जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दें। दिमाग तो नहीं तुम्हारा खराब हो गया? जानती हो ना कि मंसूर मुझे तलाक देने वाला था और उसकी तबीयत। इसलिए कह रही हूँ माँ, फिलहाल बाबा से दूर रहिए। खुदा ना खास्ता बाबा ने आपको अगर तलाक दे दी तो हमारे लिए आप यूजलेस हो जाएंगी। वैसे भी एक गुल तो आपके भाई भी खिला चुके हैं। प्लीज माँ, ऑलरेडी आप बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हैं, अब जो कुछ भी ठीक करना है मुझे खुद करना है। प्लीज हर चीज से दूर रहिए। सबीन के लिए जब भी चाय कॉफी या जूस लेकर जाओ उसमें दो कतरे इस दवा के डालने हैं, सिर्फ सबीन के लिए। क्या हुआ, डर गई? साफ बताओ, अगर ये काम नहीं कर सकती तो हम किसी और से करवा लेते। नहीं जी, मैं कर लूंगी। आप समझे, आपका काम हो गया। ठीक है, जाओ। सत्या, हम देख रहे हैं कि ये लड़की तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यारी हो गई है, उसके लिए तुम्हारा दिल बहुत तड़पता है। हुँ? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो फिर ये दवा देखकर तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? शाबानो, आप तो उस लड़की को वैसे ही निकाल सकती हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं ना, ये लड़की तुम्हारी कुछ ज्यादा ही सगी हो गई है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसके पीछे क्या जरूरत है इसका फैसला हमें करने दो। तुम अपनी औकात में रहो, जाओ, जाकर देखो कि नायरा इस काम को सही से अंजाम दे। जाओ। अब मैं जानती हूं
माँ की हुई गलतियां आपसे बर्दाश्त नहीं, लेकिन आप देखना जिसने जो गलत किया ना उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। माँ खुद इन सबसे आकर माफी मांगेंगी। आपने अब इस बारे में नहीं सोचना, हम जल्दी से घर आ जाए। तुम्हारे कामरान साहब मेरे इर्तिजा की जान लेना चाहते थे ना? तेरे इर्तिजा? हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ उनसे और बहुत जल्द वो मेरे हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया तेरा, कहाँ इर्तिजा और कहाँ तू। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मैं फंसाना तो तुझे भी फंसा दूंगा। सारे मामला तेरे सारी हरकतें मैं पुलिस को बता दूंगा। इर्तिजा की बीवी सबीन की जान लेना चाहती, समझ गई तू? नायरा, ये क्या कर रही हो? क्यों खुद को कातिल बनाने पे तुली हुई हो? भजिया भजिया, आप जाएं यहाँ से। मुझे काम अय्या जान ने सौंपा है, ये मैं करके रहूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। लाओ मुझे तो। भजिया भजिया छोड़े। नहीं छोड़ो भजिया, आप छोड़ो भजिया, आप जाएं यहाँ से। भजिया भजिया भजिया, क्या हो गया आपको? भजिया उठे तो सही, भजिया भजिया अपनी आंखें तो खोलो। आपको पता, बाबा ने उस दिन वकील साहब को बुला लिया था और उन्होंने आपके हिस्से की सारी जायदाद बड़ी अम्मी और सबीन बाजी के नाम कर दी। आपके पास कुछ नहीं रहा मम्मा, आप बिल्कुल खाली रह गई। आपके पास ना औलाद है, ना शोहर और ना ही है जायदाद। और मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट यू डिजर्व। यही चाहती थी ना आप? और बेटा जिसकी औलाद उसके पास ना हो ना, और चीजों की क्या औकात है उसके साथ। खुश रहना। अरे नाजिया, नाजिया आप रोइए मत, मेरा मकसद आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। आप संभालिए खुद को काइंडली। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, मुझे तुम्हारा कासिम से मिलना ठीक नहीं लगता। वो शख्स मुझे एक आंख नहीं भाता है, नफरत हो गई है मुझे उससे। क्या आप क्या कह रहे हैं नबील? वो तुम्हारे करीब आना चाहता है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है सना। ऐसी कोई बात नहीं है नबील, पता नहीं किसने आपसे ये कहा है, कासिम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सना तुम समझ नहीं रही हो, उसका बार बार इस घर में आना, सबीन के घर पे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना इस बात का सबूत है कि वो तुम्हें चाहता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इस तरह से सोचते हैं। कासिम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है नबील, आप गलत सोच रहे हैं। यानी कि मैं तुम्हें गलत लग रहा हूँ और वो कासिम तुम्हें सच्चा लग रहा है? हाँ। तो फिर ठीक है, तुम मुझे छोड़कर उस कासिम से शादी करो। मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसे मेरी बात पे यकीन ही ना हो। नबील, नबील।
सलाम अलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।